श्री राजेंद्र सिंह। सभापति महोदय, आज माननीय सदस्य, आप थोड़ा बीच में मत बोलो। मैं आपकी बुराई भी नहीं करूंगा, आपकी चमचागिरी भी नहीं करूंगा। हिंदुस्तान का इतिहास सुनिए प्लीज, और जो हम आज पढ़ रहे हैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये सदन हम सबका है, ये कांग्रेस बीजेपी का नहीं, हम सदन के सदस्य। सभापति महोदय, मांग संख्या 20, 21 और 22 की मांग पर मुझे समय देने पर आपका धन्यवाद। आज जिस शिक्षा पद्धति पर, आज जिस शिक्षा पर हम मंथन कर रहे हैं, ये शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले की हिंदुस्तान के गुलामों को लागू करने की थी। 1857 के विद्रोह के बाद जब हर हिंदुस्तानी ने हिंदू मुसलमान जाट गुजर ही राजपूत बनिया बामन सब जाति छोड़ के दलित अगड़ा पिछड़ा सारे हिंदुस्तान का विद्रोह किया, तो लॉर्ड मैकाले को जब ईस्ट इंडिया कंपनी से जब सीधा विक्टोरिया रानी ने अपने अंडर कर लिया हिंदुस्तान को, तो पूरे भारत का भ्रमण कराया गया कि हिंदुस्तान के लोग एक कैसे हो गए, एक होकर कैसे लड़ गए, एक बूढ़े भारत के बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का कैसा राज्य बना दिया। पूरे हिंदुस्तान में वो घूमे और घूमने के बाद जब गाँव में वो दौरा मारने के गए तो अपने आप में ऐसा ताना बाना था कि पूरे गांव की जो बेटी होती, चाहे दलित की, चाहे पिछड़े की, चाहे अगड़े की, चाहे किसान की, वो पूरे गांव की होती थी। तो उनको ऐसी शिक्षा दो कि वो हमारे स्लेव बन के रहे, हमारे क्लर्क बन के रहे, और हम आज लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को पढ़ रहे हैं। सभापति महोदय, शिक्षा सबसे पहले मनुष्य का शिक्षक माँ होती है। जब बच्चा पैदा होता है, माँ उसे बोलना सिखाती है, माँ उसे खेलना सिखाती है, माँ उसे खाना सिखाती है। शिक्षा का मतलब है सीखना, शिक्षित होना। छत्रपति शिवाजी की मदर माता जीजाबाई ने शिक्षित करके महाराज छत्रपति शिवाजी को छत्रपति बना दिया। सभी क्षत्रियों का पति माता गुजरी गुरु गोविंद सिंह जी की मदर ने जब गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी दी, उसके बाद महान गुरु गोविंद सिंह महाराज को शिक्षित करके माता गुजरी ने गुरु गोविंद सिंह महाराज की वो कहावत सिद्ध कराई, चिड़िया नाल में बाज लड़ाऊं और 100,000 से 1 लड़ाऊं तभी गुरु गोविंद सिंह महाराज कह रहा हूं। तो हमारी सबसे पहली जो शिक्षक है वो माँ है, और हमारी माँ हमें जो पढ़ना लिखना खेलना कूदना जो सिखाती है, चलना फिरना, हम उसे सीखते हैं। और भारत एक ऐसा देश है कि हमारे यहाँ महान क्रांतिकारी भी स्कूल के शिक्षक हुए हैं, उन्होंने बाहर शिक्षा लेके भी देश को आज़ादी के लिए काम किया है। आज जो हम बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, बाबा साहब ने कहा है कि दलितों पिछड़ों अग्रो हिंदुस्तानियों अगर दूध पीना तो शिक्षा रूपी शेरनी का पियो, और जब आप शिक्षित बनोगे, संगठित बनोगे, देश की तरक्की करोगे, मिलजुल करोगे, आगे बढ़ोगे। हमारे महान पुरुषों ने हमें जो शिक्षा पद्धति बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा के रूप में शेरनी का दूध पीने की बात कही, आज हमारे बीच में दलित पिछड़े अग्रे बैकवर्ड क्लास के लोग, गरीब लोग, कितने IAS IPS ऑफिसर हैं। शिक्षा का स्तर में सुधारना पड़ेगा। स्कूल में शिक्षा मूल बेस है। हमें शिक्षित हिंदुस्तान के अंदर जब बच्चा स्कूल के अंदर जाता है तो उसके माँ बाप हमारे शिक्षक होते हैं। मुझे एक वाक्य याद है, चौधरी बंसीलाल जी का, मैंने किताब में पढ़ा था, जब मैं जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, पहले मुख्यमंत्री बने थे 1969 के अंदर, वहां पर स्कूल में जो टीचर होते थे वो बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, रोज हड़ताल होती थी, सड़क के मोड़ होते थे। जो चौधरी बंसीलाल जी स्वर के मुख्यमंत्री हरियाणा जी ने शिक्षक की मरोड़, कोई भी शिक्षक BDP के नहीं आता था और सड़क के मोड़ निकाले, और हरियाणा में कोई भी विद्यालय प्राइमरी स्कूल से लेकर और उच्च शिक्षा तक कोई भी कच्चा नहीं छोड़ा। उन्होंने बेसिक काम शिक्षा पे किया, और हमको भी सोचना पड़ेगा कि प्राइमरी स्कूल
एक बच्चे की नीम होती है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर डबल एजुकेशन है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, किसानों के, गरीबों के, दलितों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हमें सरकारी स्कूलों को पब्लिक स्कूलों के बराबर सुविधाएं देनी पड़ेगी, और हमें पहले एक उंगली अपनी तरफ करनी पड़ेगी कि अपने नेताओं के, अधिकारियों के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। क्या इधर कोई नेता हमारे में से भी कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों में है? हमारे बच्चों की पहली च्वाइस पब्लिक स्कूल की है, और गरीबों के बच्चों की पहली च्वाइस हमारी सरकारी स्कूलों की है। हिंदुस्तान ऐसा देश है कि यहाँ पर डबल एजुकेशन है, डुअल, अमीर के लिए शिक्षा बिकती है और गरीब बेचारा बिगैर शिक्षा रह जाता है। हमारी सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने इसी बात को सोच के हिंदुस्तान पूरा शिक्षित बने, हमें राइट टू एजुकेशन दिया, और हम हर हिंदुस्तान के नागरिक को अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार दिया कि हर नागरिक को अपने बच्चे पढ़ाने के राइट टू एजुकेशन के द्वारा बच्चे को स्कूल के अंदर भेजा जाए। हमें ट्वेल एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा, शिक्षा को व्यापार बनाना बंद करना पड़ेगा। शिक्षा को हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारे विद्यालय हैं, जो हमारी कॉलेजेज हैं, उनमें हिंदुस्तान का नागरिक का बच्चा फ्री एजुकेशन पढ़े, उनमें कोई भेद नहीं हो, राजा का और रंग का बेटा जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक ही स्कूल में पढ़ते थे, गरीब ब्राह्मण का बेटा और राजा का बेटा एक स्कूल में पढ़ते थे। हमें इस शिक्षा पद्धति को खत्म करना पड़ेगा। जो हमारे अंदर एक गैप है, दलित पिछड़ों अगड़ों का, जो गरीबों के, आदिवासियों के बच्चे जिनके गाँव में स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, शिक्षक नहीं है, हमें उनको सुधार करना पड़ेगा। हमने हिंदुस्तान को 75 साल की आज़ादी के बाद जो हमारे शहीदों ने सपना सोचा था कि हम ऐसा सशक्त भारत बनाएंगे, ऐसा शिक्षित भारत बनाएंगे, ऐसा मजबूत भारत बनाएंगे, तो अमरीका, रूस, इंग्लैंड, ब्रिटेन, हॉलैंड, पोलैंड सबको, जर्मनी, फ्रांस, जापान सबको हिंदुस्तान पीछे छोड़ देगा। ये उम्मीदें मुझे लगता खरी होती नजर नहीं आ रही। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं हो पा रहा, दलित के बेटे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन सरकार की योजनाएं कागजों पर रह जाती हैं। हमें शक्ति दिखानी पड़ेगी, हमें सख्त होना पड़ेगा चौधरी बंसीलाल की तरह। मैं एक वाक्य याद दिलाता हूं, मैं स्वर्गीय माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र जी के साथ शिमला से सोलन की तरफ जा रहे थे, मैं उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था। मेरे बाएं तरफ के कुछ अधिकारी नाराज हो सकते हैं, उन्होंने गाड़ी पर एक झंडी देखी, गाड़ी खड़ी हुई थी स्कूल के बाद, डीसी की गाड़ी थी, उसमें डीसी की गाड़ी को उसके बच्चों को छोड़ने के लिए लेने के लिए एक गाड़ी खड़ी हुई थी। राजा साहब ने गाड़ी रोकी, बोले गाड़ी किसकी है? उनके डीसी साहब की। डीसी साहब तो पीछे मेरे को लेने आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, उनको आना था हेलीकॉप्टर से, मौसम खराब हो गया, बाय रोड निकल गए। आप ये सोच सकते हो कि डीसी की गाड़ी डीसी के बच्चों को स्कूल से लेने छोड़ने जाती थी। उसी वक्त उस डीसी को सस्पेंड किया। अपनी आत्मा पे हाथ रख के देखिए कितनी गाड़ियां स्कूलों के बाहर, पब्लिक स्कूलों के बाहर अधिकारियों की गाड़ियां इन अधिकारियों के बच्चों को छोड़ने लेने में लगी रहती है, और राष्ट्र का पैसा वेस्टेज करते हैं। इनको तुरंत प्रभाव से, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इनको बंद करना चाहिए। एमएलए को फ्लैट मिलते हैं, अधिकारियों को बड़ी बड़ी कोठियां, इनको भी एक बस में लाया जाए जैसे जापान और जर्मनी में अधिकारियों को बस में लाया जाता है। इनके अंदर भी इनको भी फ्लैटों में रखा जाना चाहिए। इनको बड़ी बड़ी कोठियां क्यों दी जाती हैं? ये शिक्षा में अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, और हम जो हैं, जो सर जनता हमको चुनती है कि आप इन पर कंट्रोल करिए, चाहे शिक्षा विभाग हो, यहाँ भी जाके देखेंगे डायरेक्टर है वो सीधा समान स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में के अंदर लैब नहीं है, स्कूल के अंदर पढ़ाने का टाइम नहीं है, कई जगह तो जीएल चलती है, जीएल चीफ सी मतलब समझते हो? सभापति महोदय जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जीएल का मत है गोता लीव, बिगर बताए गोता लीव मार जाते हैं, गोता लीव हो जाती है, स्कूल से सिर्फ गायब हो जाता है, तनख्वाह उठा ली जाती है, बच्चों को पढ़ाते नहीं है स्कूलों में। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10वीं से 12वीं तक के स्कूल किए, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री की सोच
हर गरीब के बच्चे को पंचायत स्तर पर शिक्षा देने की। हम भी कहीं कम से कम गाँव में जब पढ़ रहते थे 20-20 किलोमीटर दूर स्कूल से पढ़ने जाते थे। आज राजस्थान के अंदर इसी बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर पंचायत को के स्कूल को कर्मणोत्त करके 12वीं तक स्कूल का कर दिया है। स्कूल के अंदर जहाँ पर हमारे शिक्षा का स्तर है, जहाँ हमारे टीचर नहीं है, वहाँ हमको टीचर बने जाने चाहिए। हमने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दिए हैं गाँव के अंदर भी। जो शहर के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश की स्कूल की शिक्षा मिलती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाँव के स्कूलों के अंदर ही, दलित और पिछड़े इलाकों के अंदर ही महात्मा गांधी स्कूल खोल के हमारे दलितों और पिछड़ों और गरीबों के बच्चों का ख्याल रखे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो महात्मा गांधी स्कूल की योजना चलाई है उसका हमें बहुत फायदा मिला है। हम में माननीय मुख्यमंत्री जी के हफ्ते में 2 बार गरीब बच्चों को साल में 2 बार वर्दी फ्री देने के इस अभियान की, जो हमको 2 बार वर्दी फ्री मिलती है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उनकी सोच एक गरीब से गरीब और पिछड़े इलाके के हर राजस्थानी के बच्चों को जो एनेमिक नहीं हो उनको एक दूध 2 बार दूध मिले, 2 बार साल में वर्दी मिले और किताबें फ्री मिले और 12वीं तक की सब शिक्षा, कॉलेज तक की सब शिक्षा को फ्री करने का जो आह्वान किया है उसका मैं धन्यवाद करता हूँ कि भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर पूरा हिंदुस्तान शिक्षित बने। राजस्थान में भी कोई भी बच्चा बिगर स्कूल में जा ही नहीं रहे, इस सोच के लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने राजस्थान के जनता के लिए और राजस्थान के बच्चों के लिए जो तोहफा दिया है मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। सभापति महोदय, हमारे साथी कह रहे थे, मैं माननीय प्रधानमंत्री सबके होते हैं, हमारे भी होते हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कांग्रेस बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है। जो अच्छा काम करते हैं तो हम उनकी कोई बुराई नहीं करेंगे। उनका काम है इस देश को चलाना और देश को मजबूत करना। देश की जनता फैसला करेगी कि उसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। लेकिन हमारी भी एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, जब 1971 में पाकिस्तान के ने हम पर आक्रमण किया था, अपनी फौजों को बांग्लादेश में भेजा था, तो इंग्लैंड ने कहा था कि भारत आक्रमणकारी है। इंदिरा गांधी ने कहा था कि बड़े देश हमें धमकाने की कोशिश नहीं करें, आदेश देने का दुस्साहस नहीं करें। अभी हमारे 5 मिनट में सभापति महोदय, शिक्षा पर केंद्रित सारा भाषण, इसलिए इनको और समय दो। मैं मांग कर रहा हूँ और बोलो, आप अच्छा बोल रहे हो, और समय दो। मैं जो आपने बोला है ना वो और दे देंगे, आपका भी दे देंगे इनको। इंदिरा जी ने कहा था कि बड़े देश हमें आदेश देने की कोशिश नहीं करे, दुस्साहस करने की कोशिश नहीं करे। हर प्रधानमंत्री की ड्यूटी होती है अपने देश की रक्षा करना, अपने देश के 140 करोड़ लोगों की तरक्की, शिक्षा, एजुकेशन और भारत को पूरी दुनिया में मजबूत करना। कोई भी प्रधानमंत्री हो, हर मुख्यमंत्री की ड्यूटी होती है कि वो जब भी मुख्यमंत्री है, हर एक की, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, अपने राज्य की जनता की सेवा करना, अपने राज्य की जनता के लिए अच्छी योजनाएं लाना, अपने राज्य का विकास करना, सड़कों का जाल बिछाना, राज्य के हर नागरिक को शिक्षित करना और राज्य की तरक्की करना हर मुख्यमंत्री का सपना होता है। चाहे आपके मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये सोच के हिसाब से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हर वक्त का ख्याल रखते हो शिक्षा के बजट को दुगना करा। जो शिक्षा का बजट आधा था, आपने तो केंद्र में शिक्षा का बजट आधा किया, हमने दुगना करा। हमने शिक्षा की छात्रवृत्ति बढ़ाई, हमने आवासीय विद्यालय खोले, हमने स्कूलों की बिल्डिंग के लिए 500 करोड़ रुपये दिए, हमने शिक्षा के 2 साल में, मैंने पहले भी बताया कि हमने वर्दियां फ्री दी, हमने बच्चों को 5वीं तक 8वीं तक के बच्चों को दूध फ्री दिया। हम जो आपके पास काम हम सब मिलजुल के करें, क्योंकि देश हम सबका है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी बड़े नेता थे, सरदार पटेल हो, विट्ठल भाई पटेल हो, अब्दुल अशफाकुल्ला खां हो, हमने शिक्षा के स्तर, हिंदुस्तान में जब शिक्षा नहीं होती थी तो इंग्लैंड पढ़ने जाते थे, हथ पढ़ के देशभक्ति की भावना लेके आते थे। कई क्रांतिकारी हमारे शिक्षक रहे हैं, शिक्षा की पद्धति में कई क्रांतिकारी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ऊधम सिंह हो,
सब लोगों ने शिक्षित हो गए, देश को आजादी के अलग जगाई और हमें हिंदुस्तान आजाद भारत दिया शहीदों की कुर्बानी के बाद। मैं डीएवी की स्थापना की, डीएवी का मतलब होता है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, कि वहाँ अंग्रेजी और नहीं पढ़ाई जाती थी तो हमारे बच्चे पीछे रह जाते थे। डीएवी कॉलेज में पढ़कर भगत सिंह इतना बड़ा क्रांतिकारी बना। हमारे स्कूलों के अंदर पेट्रियोटिक एजुकेशन का बोलबाला होना चाहिए, हमारे स्कूलों के नाम, कॉलेजों के नाम शहीदों के और महान नेताओं के नाम पे होने चाहिए, सरदार पटेल के नाम पे होने चाहिए, अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पे होने चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम, इंदिरा गांधी के नाम पे होना चाहिए, राजीव गांधी के नाम पे होना चाहिए, जिससे ऐसी भावना आ सके बच्चों के अंदर, जिस स्कूल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो देशभक्ति के लिए। जब हम पढ़ते थे तो हमारे क्लास के नाम होते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रूम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, उधम सिंह, तो बच्चों के अंदर एक भावना आती है कि इन लोगों ने हमारे देश के लिए काम किया है। तो पांचवी क्लास का बच्चा जो अपनी क्लास के अंदर फोटो देखता है शहीदों का, देश पे जान देने वाले फौजियों का, मैं सच्चा वाक्य बताना चाहता हूँ, तो अपने आप देशभक्ति की भावना जागती है। हमें किताबों में पाठ्यक्रम लागू करने चाहिए, हमें कृष्ण भगवान के शब्द लागू करने चाहिए, हमें ये बताना चाहिए, हमें रामायण के, हमें कर्ण की वीरता, हमें ऐसे वीरों के, पृथ्वीराज, कुछ ही जाति का, किसी भी धर्म का, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, कैसे दलित समाज के व्यक्ति ने भूखा रह के, गरीब रह के और पार पढ़ के हमारे संविधान देश चलाने के लिए हमको संविधान दिया है, एजुकेटेड लोग। हमें स्कूलों के अंदर रानी झांसी, माता जीजाबाई, माता गुजरी, मरगनैनी, पन्ना दाय, मीरा, ऐसे इतिहास के सब्जेक्ट उनके पाठ्यक्रम की जीवनी पढ़ानी चाहिए कि हमारे बच्चों तक और बच्चों में भी हमारा एक देशभक्ति की भावना जागे। जब तक हम देश बनेंगे नहीं बनेंगे, हमने हिंदुस्तान को सदियों तक सुरक्षित नहीं रख सकते। हर हिंदुस्तानी को, कांग्रेस बीजेपी छोड़ दो, हिंदुस्तानी बनो, भारतीय बनो। मैं जापान के एक वाक्य याद दिलाता हूँ आपको, मेरा खुद काम था एक्सपोर्ट का, जापान के ट्रेडर्स आए तो उन्होंने एक स्कूल विजिट किया हमारे पड़ोस में, तो उस स्कूल के अंदर किसी भी देश, उस स्कूल के अंदर किसी का फोटो नहीं लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि जापान के हर स्कूल के अंदर उस स्कूल से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, माननीय सदस्य आप सुनिए, तो जापान में क्या होता है कि जिस स्कूल से जो बच्चा पढ़ के जाता है और देश के लिए जान देता है या देश के लिए कुछ करता है, उसकी क्लास में, स्कूल में उसको फोटो लगा होता है, तो बच्चे के अंदर पैट्रियटिज्म आता है, देशभक्ति आती है। अब मैं भी अपने देश के लिए वो काम करूंगा जो मेरी क्लास में उसका फोटो लगा होता है कि इसने मेरे देश के लिए काम किया। हमें एजुकेशन को पैट्रियोटिक एजुकेशन बनाना पड़ेगा, हमें शहीदों की, अपने महापुरुषों की, अपने देश के लिए कुर्बानी देने वाले की जीवनियों को पाठ्यक्रम में शामिल करना पड़ेगा। हमें हिंदू मुसलमान पे शहीदों को और वीरों को नहीं तोड़ना, हर शहीद हर जाति पाति पे का देश नहीं होता, देश हम सबका है। अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे, देशभक्त की शिक्षा देंगे, तो जातिवाद अपने आप में खत्म होगा। हम अगर जाति में हिंदुस्तान को बांटोगे तो इतनी जातियां देश में रहती हैं, इतने टुकड़े हो जाएंगे हिंदुस्तान के कि आपको आज तुम कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेले पूरे भारत में घूमते हैं, जर्मनी से बड़ा छोटा देश हमारा हो जाएगा, यूरोप से छोटा। माननीय सदर सभापति महोदय, मेरे स्कूलों के अंदर, मेरे क्षेत्र के अंदर इतने स्कूल खाली हैं, मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जितनी खाली हमारे स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, उनको कृपया करके भरा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। बोलने से, काम करने से सारा इलाका हमारा खाली पड़ा है और उन शिक्षकों को दूसरी जगह लगा दिया जाता है। आप शिक्षक भरिए, जब स्कूल में शिक्षक नहीं होंगे तो उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? दलितों को, पिछड़ों का इलाका है, अमीरों के बच्चे तो पैसा दे के पढ़ लेंगे, दलित पिछड़ा इलाका कैसे पैसा दे के पढ़ेगा? और दलितों के, पिछड़ों के, बैकवर्ड के गाँव के इलाके में स्कूल नहीं है, उनके अंदर शिक्षक नहीं है। हमने अंग्रेजी माध्यम स्कूल तो खोल दिए, लेकिन माननीय मंत्री महोदय, जल्दी से जो हमारे स्कूल खुले हैं, आप उनमें अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती करिए। मैं सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं अपने जो भी मेरे स्कूल खाली पड़े इन सबको मैं टेबल करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। श्री अमीर सिंह भाई,
माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21, 20 और 22 पे बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।